वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। प्लांटेशन के हवाले से हमने आपको बताया था कि आज हम डिस्कशन करने वाले, उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन पीएचए हैं यासिर गिलानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। और उसके साथ साथ हमारे पास सिंगर होंगे ख्वाजा उस्मान, इनको भी हम वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम प्लांटेशन के हवाले से, बहुत जबरदस्त कैंपेन चल रही है, अवेयरनेस दी जा रही है लोगों को, क्योंकि अब कुछ ऐसे सिनेरियो एनवायरमेंटल चेंजेस भी आ रहे हैं, पीएचए की जानिब से क्या क्या इकदाम? देखिए, पीएचए ने जो एग्जिस्टिंग हमारा स्ट्रक्चर है, एक तो हमने उसको मेंटेन करना है, लेकिन हमने जो नई चीज़ें इसमें तीन चार लेके आ रहे हैं वो ये है कि क्योंकि लाहौर शहर है, आपने देखा है यहाँ पे हमारे पास ओपन प्लेसेस बहुत कम रह गई हैं, लोग अपने घरों की कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास प्लेसेस क्योंकि कंपेल्ड सिचुएशंस हैं, बट वी हैव डिसाइडेड कि हम लाहौर रिंग रोड है, ये तकरीबन हमारा 50 किलोमीटर का जो एक हमारी, इसको हम ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम एक मैसिव किस्म के हमारे जो नेटिव हैं, जो हैबिटेंट हमारे लोकल जो हमारे ट्रीज हैं, हम उनको प्लांट करने जा रहे हैं ताकि ये हमारी जनरेशंस को सर्व करें। हमारे जो हैं वो ऑर्नामेंटल्स जो हैं उनके ऊपर चौकोर चौराहों में तो वो रहेंगे, लेकिन हम उसके कमी करके हुए वी आर गोइंग मेक शिफ्ट जा रहे हैं कि ट्रीज ट्रीज एंड ट्रीज। तो हम एक तो ये दो चीजें करें, एक लाहौर रिंग रोड को, उसका प्लान कुछ दिनों में हम मीडिया के सामने रखेंगे, एक बड़ा भरपूरम प्लान कर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आप देखिएगा कि क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट जो है शहर लाहौर के ऊपर जरूर आएगा, हमने इतनी मैसिव वहाँ पे ऊपर जो है ना वो प्लांटेशन करनी है। ठीक हो गया। दूसरा मैंने बताया कि ऑर्नामेंटल जो हमारे हैं वो कॉस्टली भी होते हैं, वो लाइफ उनकी कम होती है, वो हमारे हैबिटेंट्स यहाँ पे इतने ज्यादा जो है वो चौकों चौराहों में सिर्फ हम रखेंगे, सेंटर में लोग सर्वाइव नहीं कर सकते ज्यादा। बाकी हम तीसरा हमने ये किया कि ब्यूटिफिकेशन के लिए अब हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसमें हम मीडिया पार्टनर्स, हम बाकी स्कूल्स कॉलेजेस उनको एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो असल बात की शौक देना लोगों को, इम्पोर्टेंट ये है कि ट्री आप लगा देते हैं फिर उसको सेव करना, हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, हम लोग ट्रेसपासिंग बड़ी करते हैं, ग्रीन बेल्ट के ऊपर से गुजर जाते हैं, मोटरसाइकिल साइकिल हम उसके ऊपर गुजार देते हैं, तो वो एक हमने जो शौर वाली कंपेन है वो हमने ऑलरेडी शुरू कर दी हुई है, ये भी आपके तवस्सुल से, चैनल के तवस्सुल से लोगों तक पहुंच रहा है, फिर मैं स्कूलों में विजिट कर रहा हूँ, कॉलेजेस में हम जाएंगे। एक और हमारा इनिशिएटिव है, हम ये करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में, कि शहर लाहौर की जितनी भी हमारी अबेंडन किस्म की जो दीवारें पड़ी हुई हैं, हम आर्ट कॉलेजेस से या हम कुछ कंपनीज के साथ हम इस तरह का कि उसको हम पेंट इस तरह का करें कि वो हमारे कल्चर को डिपिक्ट करें, उसको रिप्रेजेंट करें, कल्चर को रिप्रेजेंट करें, हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करें, हमारे जो है वो ग्रीनरी को, सॉफ्टनेस को, सॉफ्ट इमेज को भी, वैसे ही वो दीवारें पड़ी हुई हैं, तो वो पूरे शहर को इंशाल्लाह हम वो प्लान करने जा रहे हैं, और उसमें भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएंगे, बिकॉज यू नो ये फंड्स की सिचुएशन जो आपके सामने है, तो हमें जैसे शहर लाहौर में जगह कम है प्लांटेशन के लिए, जो फंड्स की कंपेलेशन जो है वो भी हमारे सामने है, तो इंशाल्लाह हम एक नई इनिशिएटिव चैलेंजेस हैं जिनके साथ साथ, बट वी आर गोइंग टू डू इट इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ ख्वाजा उस्मान है। ख्वाजा उस्मान, आज हम आपसे क्या सुनने वाले हैं? मेरा भी रिसेंटली एक तराना मैंने ऑनर किया था परचम के नाम से, ठीक है, तो जरूर उसको जिब्रील की गुफ्तगू, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु।
जबरदस्त जबरदस्त. हाउ वाज द रिस्पांस उस्मान, किस तरह का रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस था. अभी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस था. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट दी और काफी अच्छा रिस्पांस था. जबरदस्त जबरदस्त. थैंक यू. अच्छा, हम सर बात कर रहे थे, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, उसकी वजह से भी जो ग्रीन स्पेस है वो भी बहुत बढ़िया लाहौर में. एग्जैक्टली, देखिए ना, शहर है और हर इसके जो विसिनिटी में जितने भी लोग हैं सबकी ये कोशिश होती है कि वो शहरों की तरफ आए. और क्योंकि हम लोगों ने जो अपने डेवलपमेंट है जो सिटीज के अराउंड एरिया से वहाँ पे उस तरह से नहीं की है, तो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कि वो आए वहाँ पे, शहर में सेटल हो, वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्थ, ये सारा कुछ. क्योंकि हमने सेंटर फोकस जब कर दिया शहर लाहौर को ही, तो फिर उसकी वजह से लोगों का भी एक नेचुरल है कि वो एक फ्लो होता है, इनफ्लो होता है शहर की तरफ. उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हमने इन्हीं सिचुएशंस के साथ इनको फेस करते हुए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. हमने इसके अंदर एक फैसला, अभी हमारा ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग हमारी फाइनल होगा तो उसी में हम डिसीजन लेंगे, लेकिन हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी कुछ चीज़ें हम करने जा रहे हैं ताकि एक हमारा एक डिपार्टमेंट हो या हमारा एक किसी से कोलैबोरेशन कर लें, हम उसको अपने जनरेशन सर्व करें चीज़ों को, ताकि वो हमारे नेटिव क्लोनिंग है उनकी प्लांट्स की, आपकी, हम अपने हैबिटेंट्स प्लांट को किस तरह से उनको ट्विस्ट करके हाइट कहीं पे ऊपर तारें गुजरी हैं कम हाइट वाले कर सकते हैं. तो ये एक जो मॉडर्न जो चेंजेस हैं वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं वो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम एक अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करें, उसको भी इसके अंदर पीएचए के अंदर जो है. अच्छा, पीएचए तो डेफिनेटली अपना काम कर रहा है, हमारी पब्लिक को अवेयरनेस की जरूरत भी बहुत है. बहुत सारे फोरम्स पे अवेयरनेस दी जा रही है कि ट्रीज प्लांट किए जाएं, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, और कोई इस हवाले से अवेयरनेस के हवाले से भी जो इनिशिएटिव आप लोगों की जानिब से लिया जाए. दो चीज़ें हमने इसमें ऑलरेडी सोची हैं और हमने अपने एक सीनियर मेंबर है उनके जिम्मे लगाया हुआ है, अगली बोर्ड मीटिंग तक वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे. उसमें एक तो ये है कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम इसको बाकायदा तौर पर कोई पिक्टोरियल फॉर्म में या इसकी कोई छोटा सा इसका रखे, प्रैक्टिकल रखे, हम सिलेबस में इसको रिकमेंड करेंगे. अच्छा. गवर्नमेंट को कहेंगे कि वो अपने बच्चों के जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनके सिलेबस में ये चीज़ जरूर डाली जाए और उसका कोई थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है, प्लांट ट्री है या ट्री का इफेक्ट क्या है वो आप पिक्चर से देते हैं कि एक ट्री कितने लोगों के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जज़ब करता है, कितने लोगों के लिए वो हवा जो हम सांस लेते हैं वो मुहैया करता है. तो ये हमारा एक प्लान है. दूसरा हम फिर ये करें कि एक हम बना के स्कूल्स और कॉलेजेस में जब हम जाते हैं तो हम उन्हें ये बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारा साइकिल है, जो हमारा ओवरऑल जो इको साइकिल जिसे हम कहते हैं उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है. और मैं आपको ये बताता चलूँ कि थैंक्स गॉड कि हमारी लीडरशिप जो है एक अरसे के बाद एक ऐसी लीडरशिप आई है कि जिसने हमारे एनवायरनमेंट के बारे में सोचा है. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन है, हमने केपी में भी आपको पता है वहाँ पर काम किया और वहाँ पर भी बहुत चेंज है. अब इंशाल्लाह हम पूरे मुल्क में करने जा रहे हैं, लेकिन स्पेशली क्योंकि लाहौर में, क्योंकि लाहौर में आपको पता है ट्रैफिक, गाड़ियाँ, जितना उनका धुआं निकलता है, जितना वो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, तो हमें इसलिए हम अपने नेटिव ट्रीज़ की तरफ, बड़े ट्रीज़ की तरफ, एवर लास्टिंग की तरफ, जो जिनकी लॉन्ग लाइफ है, एवर ग्रीन है, उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं ताकि वो उनको कूप कर सकें. बिकॉज जब तक आप हेल्दी एयर नहीं लेंगे, इनहेल ही नहीं करेंगे, तो आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं करता है, आपकी बॉडी पूरी तरह से ग्रो नहीं करती है. एक जो ह्यूमन बीइंग है वो उस लेवल तक जाके परफॉर्म ही नहीं कर सकता जो उसका एक नेचुरल लेवल जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक ग्रोथ का उसके अंदर रखा हुआ है कि वहाँ तक उसकी ग्रोथ होनी चाहिए. तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम शहर लाहौर को एक अच्छा एनवायरनमेंट, जो बागों का शहर कहा जाता था, दोबारा से हम उसको अपना रिवाइव, हमारी कोशिश पूरी है, पूरी कोशिश होगी. और हम उसमें ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम फलदार दरख्त लगाएं और इस किस्म के जो हम ट्रीज करें कि जिसके ऊपर परिंदे आके बैठती हूँ. उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद हैं और बाहर हमने अभी, अब मुझे पता लगा है बारिश भी हो रही है कहीं, तो कोई मौसम के हवाले से या वैसे कोई ट्रैक अगर आप सुनाना चाहें हमें. वैसे बेसिकली मैं सूफी, जो मेरा जॉनरा बेसिकली सूफी है, और उसमें भी मैं हजरत जो बाबा भोले शाह हैं उन्हीं को ही मैंने ज्यादा से ज्यादा गाया. सुबह सुबह वही. हाँ, जरूर जरूर. बोलिया 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 हो बोलिया हो बोलिया हो बोलिया हो. चिड़ गई इश्क वाले ता होता होता बुलिया हो
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ ਅੰਤ ਗੈਨ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਲਪ ਸੁਝਾਈ ਬੁੱਲਿਆ ਕੋਲੇ ਹਲਪ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਨ ਸਫਾਈ ਅਲ ਪੱਲਾ ਦਿਲ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲ ਪੱਲਾ ਦਿਲ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚਿੜ ਗਈ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਤਾ ਹੋਤਾ ਬੁਲਿਆ ਹੋ ਬੁਲਿਆ ਹੋ ਬੁਲਿਆ ਹੋ ਬੁਲਿਆ ਹੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਜਗ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਦ ਦਿਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਕਤ ਮੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਅਲ ਪੱਲਾ ਦਿਲ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲ ਪੱਲਾ ਦਿਲ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਛਿੜ ਗਈ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਤਾ ਹੋਤਾ میں یہی صرف انہیں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یہ سب سے ضروری چیز ہے. دو چیزیں بہت ضروری ہیں جن کے بغیر جو لائف کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. واٹر تو ہے یہ, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ بیٹھے بیٹھے اگر اپنا سانس روک لیں تو دیر از نو لائف. تو جو ہم سانس انہیل کرتے ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو سارے لوگ ہیں, اگر ہم ان کی کیئر کرتے ہیں, ہم ڈاکٹرز کے پاس بڑا جاتے ہیں, ہم باقی چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں, لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں تو وہ اگر سانس صاف نہیں لے رہے تو کیا ہے. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کی ٹریز ہیں. سو اس لیے جو ٹریز ہیں ان کو لگائیں, اپنے گھروں میں کوشش کریں, گملوں میں لگا لیں اگر جگہ نہیں ہے تو آپ ٹریز لگائیں اور ان کو پروٹیکٹ کریں, اور جہاں کہیں لگے ہوئے ہیں خدا را ان کی حفاظت کریں. گرین بیلٹس ہیں. ہمارے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ شہر لاہور کے اندر ہماری مورٹیلٹی جو ہے وہ بہت, اس کا ریٹ ریشو بہت زیادہ لگاتے ہیں, وہ لوگ اس کو کیئر نہیں کرتے, اس کو خراب کرتے ہیں. جی حفاظت کرنی ہے آپ نے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ عثمان. آپ کا بھی جناب, درخت لگائیں, اپنی انوائرمنٹ کی حفاظت کریں, اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے سیکیور کر کے جائیں, کیونکہ ہماری اس وقت بہت اہم ضرورت ہے کہ ہمیں ایک انوائرمنٹ اور اچھی انوائرمنٹ چاہیے, اس کے لیے پلانٹیشن بہت ضروری ہے. پی ایچ اپنا کام کر رہا ہے, شہری ہونے کے ناطے آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری منڈے کو, لیکن کل ہمارا بیسٹ آف چلے گا, اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. ہمارا فیس بک پیج ہے جاگو لاہور, اور ان کیس آج کا ایپیسوڈ آپ نے مس کیا ہے تو شام 5 بجے اور رات 1 بجے ریپیٹ بھی ہوگا, اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے جاگو لاہور, وہاں پر اویلیبل بھی ہوگا. منڈے تک کے لیے اللہ حافظ.